आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज का इस सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार जानदार, क्योंकि इसमें आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। जैसा कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एक एग्जाम में बराबर क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो इसी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर आए हैं आपके साथ। तो आप जुड़ जाइए तुरंत हमारे साथ और इसका पीडीएफ भी अभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जल्दी से जुड़िएगा। लिंक को क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी को लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और सबको ये लिंक पहुंच जाए। तो जुड़िएगा हमारे साथ तुरंत और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ सके, ठीक है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है भारत को कितने पिन कोड जोनों में बांटा गया है, 6, 7, 8, 10 बताएं। भारत को कितने पिन कोड जोनों में बांटा गया है बताएं, आपके सामने आपका सवाल आ चुका है बताएं। तो भारत को कितने बांटा गया है, 8 में बांटा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे पिन कोड डिजिट कितनी है, जैसे मान लो कह रहा है 22, 60, 20, तो पिन कोड के डिजिट तो 6 ही नंबर में होगी, जैसे 22, 60, 20 लिखा है, किसी का पिन कोड है तो ये 6 डिजिट का है, लेकिन इसे जोनों में 8 बांटा गया है पूरे भारत में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एक सड़क विशेष प्राधिकरण होता है, या राज्य या केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होती है बताएं। बताएं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है बताएं, हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली बताएं बच्चा, जल्दी बताएं। गुड इवनिंग सभी को, फिर से बताओ क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या सही है आंसर इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के लिए जिम्मेदार कौन होता है, केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है इसके लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया NHAI इसके लिए संस्था है वो इसको देख रेख करती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनारस के माध्यम से दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनारस के माध्यम से दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है बताएं। दिल्ली को कह रहा है कि बनारस के माध्यम से दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है, दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर जोड़ता है इसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है, NH4, NH5, NH6, NH7 बताएं। अच्छा, प्रयागराज से शिवानी बताएं, क्या हाल चाल है शिवानी, उड़ीसा से होकर गुजरता है कौन सा है, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरता है, ये NH6 होगा क्योंकि मध्य भारत से यही गुजर रहा है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है, NH1, NH2, NH3, NH4, इन दिए गए चारों में बताना है आपको बताएं। तो ये NH4 है जो कि बंबई से चलता है मद्रास तक जाता है, ठीक है, मुंबई से मद्रास जाता है। मुल्ला पेरियार बांध के विवाद में कौन सा राज्य संबंधित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बताएं।
मुल्ला पेरियार बांध बताएं। ये जो है वो तमिलनाडु और केरल के बीच में है, ये आपका अनअकैडमी गोल्ड, ये आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है इस पर, और इससे मिलेगा आपको लाइव नूर रेफरल कोड, जैसे भरेंगे तो आपको तुरंत अप्लाई करेंगे तुरंत आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। रेल बंधु क्या है बताएं, रेल बंधु क्या है बताएं जबकि शिवानी बताएं बच्चा, रेल बंधु क्या है? तो बताएं क्या है रेल बंधु योजना है क्या बताएं? ये शताब्दी और जो दुरंतो ट्रेनों में जो होता है वातानुकूलित डिब्बों में सुरक्षा गार्ड होते हैं। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण बनारस में किया जाता है, चितरंजन में या पेराम्बूर में या कोलकाता में बताएं? बताएं बच्चा, रेल यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन, पेराम्बूर, कोलकाता, कहाँ? रेल यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? देखो इसमें कहाँ किया जाता है, चितरंजन में तो इंजन बनता है, ठीक है, यहाँ किया जाता है पेराम्बूर, तमिलनाडु में है ये। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? इटारसी, मुंबई, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या होगा बताएं शिवानी मौर्य, स्टडी हाई फाइव 2.0। देखो इटारसी मध्य प्रदेश में एक रेलवे जंक्शन है, बंबई पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है और इसका चर्च गेट का भी है, मध्य का भी पश्चिम दोनों का है। सिकंदराबाद जो कि हैदराबाद का जुड़वा शहर है, ये दक्षिण मध्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्गों में सबसे कम विकसित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, उत्तरांचल बताएं। जो पहाड़ी राज्य होते हैं मणिपुर में सबसे कम विकसित है, उत्तराखंड भी हालांकि पहाड़ी राज्य है लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य के साथ साथ यहाँ पर जो है वो मैदान भी काफी है पर्याप्त मात्रा में। अमृतसर से दिल्ली होते हुए कलकत्ता जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? अमृतसर से दिल्ली तक आता है एक, और दिल्ली से कलकत्ता जाता है दो, तो अमृतसर से दिल्ली जो है वो NH जो है अगर देखा जाए NH1 प्लस NH2 इन दोनों को जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलगांव और नेल्लोर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर स्थित है बड़ोदरा, और झांसी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर स्थित है अंबाला, और कानपुर दक्षिण उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर स्थित है बताएं, इनमें से कौन सा सही है? ये तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना का मकसद है दिल्ली को बंबई से, बंबई को मद्रास से, इसको कलकत्ता से, इसको ऐसे जोड़ना, ये कलकत्ता हो गया, ये मद्रास हो गया, ये मुंबई हो गया।
विजय पथ फाउंडेशन बैच जो है वो 7,499 रुपए का बैच है, जो कि आपको लाइव नूर रेफरल कोड लेने से आपको मिलेगा भारी छूट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? NH4, NH44, NH10, NH5। सबसे लंबा जो है वो NH44 है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है? औरंगाबाद सहरसा, सहरसा सासाराम या मोहनिया या पटना, बताएं। ये सासाराम है, यहाँ पर शेरशाह सूरी की समाधि भी है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई और विशाखापट्टनम को जोड़ता है? चेन्नई को विशाखापट्टनम से, बताएं। चेन्नई को विशाखापट्टनम से जोड़ता है कौन? अभी बताया था। पांच नंबर है, जो कि अरब बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे भी चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नजदीक है, निकट है? हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांडला या पारादीप, बताएं। ये तब राउरकेला के सबसे नजदीक राउरकेला उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा में। भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित है कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोच्चि, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया, यानी पूर्वी तट पर पूछ रहा है। दोनों बंदरगाह पूर्वी तट पर होना चाहिए। देखो, कांडला जो है पश्चिम में है, ये पूरब में है, ये गलत। हल्दिया जो है पूरब में है, ये पश्चिम में है, इसलिए गलत। पारादीप ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, इसलिए गलत। ये दोनों ईस्ट ईस्ट में, और पूछ भी रहा है पूर्वी तट का।
स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन था? न्यू मैंगलोर, नवा सेवा, कांडला या मुंबई? बताएं। ये कांडला सबसे पहले विकसित हुआ था। औसत समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय स्थानों का घटता क्रम में सही क्रम क्या होगा? कुडई कैनाल, दार्जिलिंग, शिमला और महाबलेश्वर। शिमला, कुडई कैनाल, दार्जिलिंग और महाबलेश्वर। कुडई कैनाल, शिमला, महाबलेश्वर और दार्जिलिंग। महाबलेश्वर, शिमला, दार्जिलिंग और कुडई कैनाल, बताएं। देखो, शिमला सबसे ऊंचा, कोडाईकनाल, दार्जिलिंग, फिर ये क्रम रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत किसने की थी? इन्हें शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, इन्हें इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। बताइए इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? बताएं। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D लेह को कश्मीर घाटी से किस दर्रे से जोड़ता है? जो जिला, खैबर, नाथुला, काराकोरम। ये जोड़ता है जोरजिला दर्रे से, ठीक है। यदि किसी ट्रक को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा ग्वालियर होते हुए दिल्ली से भोपाल तक सबसे छोटे मार्ग से माल ले जाना है तो उसे किन राष्ट्रीय राजमार्गों तो उसे राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर गुजरना होगा? सबसे पहले दो पर फिर ये जाएगा। काराकोरम राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस देश के जोड़े को जोड़ता है?
भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। ये सीपैक प्रोजेक्ट भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली को चेन्नई से जोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है वो दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, कलकत्ता को, यानी दिल्ली को किससे जोड़ता है, चेन्नई से कलकत्ता को या बम्बई को या अमृतसर को। जो एक है वो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, दो जो है वो दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कांडला, विशाखापट्टनम, कराईकल या पौंडेचेरी, बताएं। बताएं पूर्वी तट का, देखो ये तो पश्चिमी तट का है, ये पूर्वी तट का है विशाखापट्टनम। मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के लिए हवाई यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व कम है, भूतल परिवहन मार्गों को बांग्लादेश के चारों ओर जाना पड़ता है, या हवाई परिवहन सस्ता है। भूतल परिवहन मार्ग बांग्लादेश के चारों ओर जाना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि चिकन नेक पर छोटा सा एक रास्ता है जिसको कनेक्ट करता है। HBJ पाइपलाइन परिवहन करती है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या गारे के रूप में लौह अयस्क। HBJ पाइपलाइन जो है वो प्राकृतिक गैस को परिवहन करती है, ठीक है। हजीरा बीजापुर जमशे जगदीशपुर इसका पूरा नाम है, हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न के निर्यात के लिए निर्यात की नीति का एक परिणाम नहीं था। ये सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न के निर्यात की नीति का एक परिणाम नहीं था। इससे कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी, इसने कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी, इसने बेईमान व्यापारियों को भारी नुकसान दिया, इसने कृषि की कमी और अकाल को जन्म दिया, इसने देश को उसके कृषि अधिशेष से वंचित कर दिया। इससे कोई मतलब नहीं था, कह रहा परिणाम नहीं था ना, तो इसका कोई मतलब नहीं था, बाकी तो सब परिणाम थे ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, जामनगर, ओखा, पोरबंदर, बीरबल, बताएं।
ये नहीं है, बाकी तो सब हैं, ये पोस्ट पे हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? पारादीप, कोची, मुंबई या कलकत्ता? ये है आपके बंबई के बगल में है ये, आपको जो है क्रैश कोर्स फॉर यूपीपीएससी वीडियो री एग्जाम जो है ये आपका 599 रुपए का बच्चा कोर्स है। और जब आप इसे लाइव नूर रेफरल कोड से लेंगे तो आपको इसमें और ज्यादा छूट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसे तुरंत ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम हैगा, बताएं? देखो ये तो पहले ही कार्ड दो, उत्तर से दक्षिण ये तो हो रहे नहीं, ठीक है। दक्षिण सबसे ज्यादा दक्षिण में कोच्चि ही जाएगा, ठीक। पारादीप भी दूसरे नंबर पे रहेगा, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा अगर आप ऐसे देखते हैं ये, ठीक, तो कांडला यहां पर आएगा, तो कांडला सबसे पहले, हल्दिया, पारादीप भी वाला ऑप्शन था ये। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? नेवल है यानी नेवी के लिए है, तेल वाला है, या रिवराइन मतलब नदी वाला है, या प्राकृतिक है? ये नदी बंदरगाह है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा पारादीप बंदरगाह निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है? पारादीप से सबसे ज्यादा क्या निर्यात होता है? पारादीप से लौह अयस्क निर्यात होता है। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि या पारादीप, बताएं? यानी नेचुरल पोर्ट नहीं है पूछ रहा है। नेचुरल पोर्ट नहीं है इसमें, क्या है इसमें? देखो ये तो चेन्नई नेचुरल पोर्ट नहीं, बाकी ये नेचुरल पोर्ट है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक, खंभात की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं, बताएं? कांडला, ये यहां पर देखो ये पड़ेगा, कच्छ की खाड़ी के किनारे है। इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। कुद्रेमुख पाइपलाइन द्वारा लाए जाने वाले घोल का गंतव्य स्थान क्या था? यानी जो कुद्रेमुख पाइपलाइन से जो लाया जाता है वो न्यू मैंगलोर तक लाया जाता है। निम्नलिखित नगरों में से वह कौन सा है जो औसतन समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई है जिसकी? तो बैंगलोर पठार पे ये सबसे ज्यादा ऊंचाई यही है, बाकी जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई भी यही है क्योंकि ये पठारी क्षेत्र में है। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है कलकत्ता को मुंबई से, दिल्ली को चेन्नई से, कलकत्ता को अमृतसर से, तिरुपति को लुधियाना से?
ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो अमृतसर से कलकत्ता को जोड़ता है, ये उसकी वो सीट भी है, हम इसको भी शेयर कर देंगे। ये सेशन आपको कल भी मिलेगा 7 से 8 पर रात में, और रोजाना मिलता ही है, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और क्लास को और बेहतर बनाया जा सके। कोई भी आपके सुझाव हो तो जरूर हम